नमस्ते दोस्तों, बी डॉट बबीता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मूंग दाल कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी एकदम बाजार जैसी खस्ता। तो ये 400 ग्राम मूंग दाल है जिसे मैंने 4 घंटा भिगो के पीस के रख लिया है। ज़्यादा नहीं पीसना है, हमें दरदरा ही पीसना है, इसे पीस के रख लिया है। तो चलिए, मूंग दाल कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। कचौरी बनाने के लिए हमने यहाँ गेहूं का आटा ले लिया है और यहीं पे अजवाइन को हाथों से मसल के इस तरीके से हम डाल लेंगे और यहीं पे आधा चम्मच नमक डालेंगे हम और यहीं पे हम तेल डालेंगे मोयम के लिए। सभी सामग्री को अच्छी तरीके से मिला लेंगे, ऐसे मसल लेंगे। आटे को हमने मिला लिया है सब अच्छी तरीके से। अब आटे को साल लेंगे, आटा लगा लेंगे हम अच्छे से, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। आटा को हम अच्छे से लगा लेंगे। आटा हमारा लग गया है, आटे को हम 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। चलिए हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। अब कढ़ाई हमने रख दिया है गैस पे, अब इसी में हम तेल डालेंगे। तेल हमने डाल दिया है, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम एक चम्मच इसमें जीरा डालेंगे, कटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हल्का लाल होने के बाद हम इसमें कांदा डालेंगे। मिर्चा हमारा लाल हो गया है, अब हम इसमें कांदा ऐड करेंगे। कांदे को हमको ज़्यादा लाल नहीं करना है, ध्यान रहे। कांदे को सिर्फ हल्का सुनहरा होने तक ही भून देंगे हम इसे, धीमी आंच पे ही भूनेंगे, ध्यान रखिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे भूनते हुए, 1 से 1.5 मिनट में हमारा कांदा लाल हो जाएगा। कांदा हमारा लाल हो गया है, बस इतना ही लाल करना है हमें। यहीं पे हम अदरक को कद्दूकस करके रखे थे वही डाल देंगे, इसे डालेंगे। 2 मिनट इसे भी भून लेंगे अच्छे तरीके से। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा 1 से 1.5 मिनट ही ज़्यादा नहीं भूनेंगे हम इसे। हमारा अदरक भी अच्छी तरीके से भुजा गया है, यहीं पे हम 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, यहीं पे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन सबको भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। हल्दी पाउडर भी हम डालेंगे 1/2 चम्मच यहीं पे। अब सभी मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे, धीमी आंच पे भूजेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुजा गया है, अब यहीं पे हम 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार नमक। याद रखिए कि आपने आटे में भी नमक डाला है तो आप उसी हिसाब से डालिएगा। इसे भी हम भूज लेंगे। इसे भी भूज के अच्छी तरीके से भूज लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुज गया है, अब हम दाल को डालेंगे इसमें। मसाले को भी अच्छी तरीके से भुज लेंगे इसमें। चलाते हुए अच्छी तरीके से भुज लेंगे। देखिए, मसाला हमारा एकदम भूज के तैयार है और देखिए कितना ही दानेदार हो गया है। भूजते हुए हमें लगभग इसे 7 से 8 मिनट हो गए हैं। मसाला अब हमारा एकदम अच्छे से रेडी है। आटे का हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे। देखिए, इतना बड़ा हमें रखना है लोई को। इसे हम वाटी का शेप देंगे। देखिए,
वाटी की तरह बना लेंगे गोल गोल करके। ये बन गया हमारा। अब इसमें हम अपना मसाला भरेंगे। देखिए ऐसे दबा लेंगे और चारों तरफ से इसे पैक कर लेंगे। देखिए ऐसे ही हम सभी को बना लेंगे। ऐसे ही हम सभी को बना के रख लेंगे। देखिए इतनी बड़ी बड़ी लोई रखेंगे हम, इसे वाटी की तरह बनाएंगे। ऐसे ही बना लेंगे। इसमें हम अपना अब मसाला भरेंगे। देखिए अब इसे हम चारों तरफ से पैक कर लेंगे ऐसे दबाते हुए। देखिए देखिए ऐसे ही सब कचौरी को बना लेंगे हम। कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है गैस पे। अब हम तेल डालेंगे। तेल हमने डाल दिया है। तेल हमारा गरम हो रहा है। हमने सभी को बना के रख लिया है। तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम अपनी कचौरियों को छोड़ेंगे इसमें। पलटते हुए इसे हम पकाएंगे। आँच हमारा एकदम स्लो ही रहना चाहिए। देखिए कलर अब इसका चेंज हो रहा है। इसे हम पका लेंगे अच्छे तरीके से मीडियम आँच पे। देखिए कचौरी हमारी बन गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सब कचौरी को बनाएंगे। देखिए हमारी कचौरी बनके तैयार है, वो भी एकदम बाजार जैसी। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी खस्ता है ये। देखिए है ना एकदम बाजार जैसी। आ गया ना आपके मुंह में पानी। तो एक बार आप मेरे तरीके से बना के देखिए। गारंटी है मेरी आपको 100% पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।